क्या ज्ञानवापी में इस देश का मुसलमान 300 सालों से काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहा है? आप कहेंगे मस्जिद में तो नमाज होती है, पूजा कैसी? तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद आप भी इस बात से सहमत होंगे। पहले आप बयान सुनिए और समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या ऐसा कहा जिससे 57 मुस्लिम देशों से लेकर देश के 20 करोड़ मुस्लिमों में एक नई बहस छिड़ गई है। उसके बाद इस बात पर आते हैं कि योगी ने यह बयान कहां दिया और क्यों दिया, इसके मायने क्या हैं। दुर्भाग्य से वो ज्ञान बापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान बापी साक्षात विश्वनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ ये बयान गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देते हैं। वो वहां बकायदा ये कहानी सुनाते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे साउथ से आकर यहां नॉर्थ में और तमाम राज्यों को जोड़ा। जैसे आप देखिए कि केदारनाथ में जो पुजारी होते हैं वो साउथ के होते हैं और साउथ के मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो नॉर्थ के होते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सोचा वो एक महंत के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जब बताना शुरू किया और इसका इतिहास जब काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी से जोड़ा तो वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाने लगे। जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? वो बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। लेकिन अखिलेश यादव इस बयान पर कुछ नहीं बोलते और अखिलेश यादव के एक बयान का यह बहुत तगड़ा जवाब माना जा रहा है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था मठाधीशों और माफियाओं में कोई फर्क नहीं होता। अब आप सोचिए, मठाधीश यानी मठ के जो मालिक हैं एक तरह से, मठाधीश महामंडलेश्वर या फिर आप कहिए अपने नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े संत हैं और उन्हें उनके लिए अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने बकायदा बता दिया कि मठाधीश मतलब शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है, जिसे ये पता है कि कैसे एक चांडाल के रूप में भगवान शिव ने वहां बकायदा काशी विश्वनाथ में एक ब्राह्मण को ज्ञान दिया। अब सवाल यह है कि जिस जगह को हिंदू इतने सालों से, इतने महीनों से कोर्ट में विवाद चल रहा है और जिस जगह को इस देश के 100 करोड़ सनातनी ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, हमें दे दिया जाना चाहिए, बकायदा योगी आदित्यनाथ ये तक कहते हैं कि अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, वहां सनातन सभ्यता के निशान क्या कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुसलमान काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ और महादेव की पूजा कर रहे थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं अगर वो जगह सनातनियों की है तो फिर आपकी नमाज क्या कबूल हो रही है? ये भी एक सवाल है। इस तरीके के सवाल पर हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि ये सवाल उचित नहीं है, लेकिन आप जरा जोड़ कर देखिए, कड़ियों को जोड़ कर समझिए कि जिन जगहों पे मंदिर है उन जगहों पे अगर आज मस्जिद है, उन जगहों पे अगर वजूखाना है और अगर उसकी खुदाई होती है और उससे शिवलिंग निकलने की बात सामने आती है जिसको फवारा बता दिया जाता है सियासत की खातिर, तो फिर योगी आदित्यनाथ जब ये बयान देते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? आखिर योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक संत भी हैं।
अगर वो सनातन सभ्यता से लोगों को परिचित करवा रहे हैं, इनके बयान के तीन मायनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक मायने। इतिहास के पन्नों में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो बाकायदा शास्त्रों में दर्ज है, लेकिन हमें इतिहास क्या पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया गया अकबर महान है। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि शिवाजी और पेशवा की कोई कहानी भी थी जो जिसे पढ़कर हम गर्व महसूस कर सकें। हमें ये पढ़ाया गया कि मुगलों की महानता क्या थी। इस देश के लोगों की महानता के बारे में जब नहीं बताया गया तो फिर योगी जैसे संत आते हैं, ऐतिहासिक बातों का महत्व बताते हैं। और अगर आप इसको राजनीति से जोड़कर देखें तो फिर काशी मथुरा बाकी है का नारा तो बीजेपी का है ही, और सामाजिक मुद्दों से अगर इसको जोड़कर देखिए तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने वाला है, 57 मुस्लिम देशों की नींद उड़ाने वाला है, देश के 22 करोड़ मुस्लिमों को ये भले ही लगे कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन योगी एक मुख्यमंत्री हैं और एक संत भी हैं। अब आप इनके बयान पर क्या कहेंगे कमेंट करके बताएं।